वेलकम टू ट्रेड लर्न टू एडवांस फ्रेंड्स, इस वीडियो में संक्षेप में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल क्या हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। मार्केट का ना कोई लॉजिक है और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ सिर्फ संभावनाएं काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मेरा ट्रेड। आज मैंने एक कॉल और एक पुट खरीदा और दोनों में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो अभी देखते हैं चार्ट। चार्ट में सबसे पहले हम वीकली कैंडल को देखेंगे। तो वीकली कैंडल के अंदर मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 44,343 एक मजबूत रेसिस्टेंस है और 44,050 जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट कुछ समय व्यतीत कर सकता है। और ये जो एक मैंने आर्क बनाया है येलो और जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ तक ऊपर गई थी और मार्केट ने एक नीचे डिप लिया और फिर मार्केट ने ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। और अभी मार्केट जैसे ही इस येलो लाइन को ब्रेक करता है और ये सपोर्ट टूटता है 44,000 का, तो मार्केट का एक हम संभावना जता रहे हैं कि मार्केट इस लाइन को टच करेगा। यस, ये जो येलो लाइन है इसको टच करेगा। अगर ये फास्ट फॉल होता है तो यहाँ तक, और धीरे धीरे होता है तो यहाँ तक भी टच कर सकता है। अब देखते हैं डेली में क्या कर रहा है मार्केट। तो डेली कैंडल के अंदर भी जो वीकली कैंडल के अंदर रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वही डेली कैंडल के अंदर भी है। आज जो हमारी डेली कैंडल है उसने वीकली रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को टच किया और एक इनडिसीजन कैंडल बन गई। अब यदि मार्केट इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक जाए और ये सपोर्ट टूट जाता है तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मार्केट में फॉल आएगा। अभी कल के लिए देखते हैं। तो कल के लिए हम इसमें लेवल मार्क करेंगे। लेवल मार्क करने के लिए हमें टाइम फ्रेम लगाना है 30 मिनट का। तो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस को मार्क करेंगे, उसके बाद में हम सपोर्ट को मार्क करेंगे। तो पहला जो रेसिस्टेंस है इसमें हम क्या करते हैं, 30 मिनट की जो कैंडल होती है उसकी वीक को मार्क करेंगे। तो पहला एक रेसिस्टेंस ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ का कलर लेते हैं अपना रेड, ठीक है। और नेक्स्ट रेसिस्टेंस, ये भी एक रेसिस्टेंस है, तरह से नेक्स्ट ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट यहाँ एक रेसिस्टेंस है और नेक्स्ट ये एक छोटा रेसिस्टेंस यहाँ बन रहा है। ये हो गए रेसिस्टेंस। और अभी हम लेते हैं आपका ये सपोर्ट, तो सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं वो है पहला सपोर्ट यहाँ पर, ये एक आज का एक यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये जहाँ पर क्लोजिंग हुआ एक सपोर्ट हो गया। इसका कलर हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। और नेक्स्ट सपोर्ट है ये जहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है, यहाँ आता है और मार्केट बाउंस करता है और उसके बाद में सपोर्ट होगा ये यहाँ पर। ओके, ये हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। अब इसको हम 15 मिनट में कर देते हैं। अब जब भी मार्केट हमारा इस रेड के जाता है तो यहाँ पर हम सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे या पुट खरीदेंगे। और जब जब मार्केट इसमें आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर हम अपना जो कॉल बाय करने का अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और इसके अंदर एक काम करेंगे, हम एक मूविंग एवरेज लेंगे 5 मिनट का।
इसकी जो लेंथ है वो 5 मिनट की होगी और जब भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हैं तब हम लॉन्ग करेंगे। और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने के बाद हमने लॉन्ग किया है और यदि 15 मिनट की कैंडल इस 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो जाती है तो हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी और इस हिसाब से हम अपना कल का ट्रेड करेंगे।